डिवाइस बोलो। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। की करता है? ईएमएफ पता करता है। अ सेल है। क्वेश्चन नंबर 12 द पर्पस है टू फाइंड ईएमएफ। कहता ईएमएफ पता करा रहे। 13 का की पर्पस है? इंटरनल रेजिस्टेंस। सो यू जनरली रिप्रेजेंट अ सेल बाय एन ईएमएफ एंड इट्स अ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि की करना है, की पता करना है ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये पता करना है यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ते तो वोल्ट मीटर नाल भी पता कर सकते हो, कर सकते हैं ना। वोल्ट मीटर नाल पता करना हो फिर कैसे करांगे? अ सेल इट हैज इट्स ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कनेक्ट अ वोल्ट मीटर एंड इट गिव्स वोल्टेज। एच की प्रॉब्लम है, सिंपल अरेंजमेंट है। बोलो। यस करेक्ट। रीडिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? करेक्ट आंसर है थोड़ा। हाँ कॉन्सेप्ट वाइज व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। थोड़ा जहा वर्ड दे विच फर्क है। करंट फ्लोइंग इज आई, इट विल ड्रॉ सम करंट। दिस वोल्टेज वी विल बी इक्वल टू ई ईएमएफ। तो एदे अक्रॉस ड्रॉप भी तो होगा किन्ना? आई आर, ई माइनस आई आर। एज एन एग्जाम्पल सपोज द ईएमएफ इज 10 एंड द करंट फ्लोइंग इज वेरी वेरी स्मॉल, से 0.001 एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 10 माइनस 0.001 एक ही हो गया। ईएमएफ कितना सी था? 10। तो रीडिंग 10 तो नहीं आ रही, कितनी आ रही है? 10 माइनस 0.001। तो ये जो अवला पार्ट है एक ही बन गया एरर। इस तरह क्यों होया? कितना यार नहीं है? नहीं उत्ते गए उन्होंने तो पूछ रहे। एरर आ गया, क्यों आया? कॉज किसी कॉज दिस वोल्ट मीटर मेजर्स बाय ड्रॉइंग, ड्रॉ करता है, सैंपल करता है। देखो ये कुछ ड्रॉ किया कि नहीं किया? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर जो मेजर करता है, थोड़ी जी हीट बॉडी चो ड्रॉ करता है। थोड़ी बॉडी च हीट चली गई, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा जहा डाउन आ गया। इनू कहते हैं मेजरमेंट बाय सैंपलिंग। एक होर मेथड होंगे मेजरमेंट का, यदि हाइट मेजर करनी है 14, यदि हाइट घट गई, एक मेथड बाय कंपैरिजन, मेजरमेंट बाय कंपैरिजन। हुण असीं जिहड़ा मैथड करांगे ईएमएफ ऑफ सैल पता करांगे, वो किस तरह पता करांगे? मेजरमेंट बाय कंपैरिजन। आ जिहड़ा है मैथड है ये वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है, दैट इज़ वाई इहदे च की आ जाता है एरर आ जाता है। दैट इज़ वाई असीं ये वाला मैथड एट प्रेजेंट नहीं कर रहे। सो अगेन प्रॉब्लम फिर तो दे दें, बंद कर दो बेटा। प्रॉब्लम फिर तो देख दें। अ सेल, सेल तो पहले असं की करांगे, अरेंजमेंट की बनावांगे। अ वायर, से 100 सेंटीमीटर लेंथ है एल, से 100 सेंटीमीटर वी कनेक्ट सम वोल्टेज वी नॉट, किन्नी बोलो? 10 वोल्ट। ए वायर ए बी
ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਸਟੈਪ 1 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ? ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੋ? ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਨਾਟ 10 ਵੋਲਟ, ਲੈਂਥ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ वी नॉट बाय एल कितनी आ गई? 10 वोल्ट बाय 100 कितनी आ गई? 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कैलिब्रेशन किधर वर्गी है? स्केल च देखते हैं, ये ऊपर यू कैन मेजर यूजिंग दिस। क्यों? ये ऊपर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर मार्किंग कैलिब्रेशन हुई भी है। नाउ वी टेक अ सेल, सेल दे विच की है? ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये एक साइड इधर कनेक्ट करता, the second side is connected through a galvanometer। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਲੈਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਪੀ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਟੂ ਦੀਸ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀਸ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਦੋਂ ਗੈਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ? ਜ਼ੀਰੋ ਵੋਲਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨੋਟਸ ਦੇਖਣਾ? ਜੀ ਐਚ ਐਚ ਆ ਕਿਹੜਾ? ਸੋ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗੀ ਕਦੋਂ? When voltage across HJ is equal to voltage across AP, किसी लेंथ तक आएगी? Let this length be L centimeter। Voltage across HJ कितना है? This voltage is equal to what? E minus IR, I है ही नहीं, E minus 0R। वोल्टेज अक्रॉस एपी कितना आएगा? पहले कितना देखो, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर आ गया था, 40 सेंटीमीटर करांगे 4 वोल्ट, अगर 60 आ गया था 6 वोल्ट। लैब्स बड़ा अरेंजमेंट सौखा है, जिवें तुसीं इहदे च कीता है। इस केस च अगर तुसीं लेंथ मेजर करनी है फटाफट रखिया तुसीं क्या 14 सेंटीमीटर, गल खत्म। अगर लैब्स तुहाडे कोल कैलीब्रेटेड पिया है वो तो आ गया 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सैल लिया नाल रख्या चेक किया करंट जीरो जिते आ गया, 40 दे आ गया था 4, 60 दे आ गया था 70 दे आ गया था, बस इनू वोल्टेज अक्रॉस ए पी इज वॉट? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। पता की करना चाहते हो तुसी? ई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल। अगर कंपैरिजन करना होया, कंपैरिजन च किवें आ दो डिफरेंट कंपनीज दे सेल है, निप्पो एवरेडी, इन्हां दोनों सेल्स दा कंपैरिजन नूं कहि सकदे ए नहीं कहिंदे इहदा दसो ई एम एफ लो इहदा किन्ना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किवें करोगे? पहले एक नाल करांगे एक्सपैरिमेंट, वो मेजर कर लांगे, वो आ गया सपोज करो एल वन ते, फिर दूसरे ते करांगे वो सपोज करो किन्ने ते बैलेंस हो गया एल टू ते, ए ई एम एफ सैकेंड एक किन्ने ते बैलेंस हो गया एल टू ते, एदा ई एम एफ ई टू, पहले वाले दा ई वन, ऐसे ते वापस आ गए ई वन बाय ई टू किहदे इक्वल आएगा? दोनों सेम है,
वी नॉट बाय एल सेम है, ए वाली लेंथ पहले वाला किन्ने ते बैलेंस हो गया सी, एल वन ते, दूसरे वाला एग्जाम्पल मार्केट चो एक्सेल परचेज किया, इतने रख के देखा 40 सेंटीमीटर पे हो गया, दूसरे वाला 80 सेंटीमीटर पे होया, इन्हें दोनों ई एम एफ की रेशियो ई वन बाई ए टू किन्ना आएगा, 1:2। ना तो तुम्हें यह पता लग गया कि पहले का वोल्टेज किन्नी है, ना ही पता लग गया सेकेंड की किन्नी है, वो ता ही पता लगेगी जे थोड़े को वाला पैरामीटर है या ना होया फिर या गलत होया, तो दोनों चो गलती कैंसिल हो चुकी। एग्रीड और नॉट, वी नॉट बाय एल है तो 0.1 सी, तुझे कितने गलती ना 0.2 लिखता, ठीक है। ईएमएफ तो पता ही नहीं करना है, इसे वी नॉट बाय एल ही गलत है ना थोड़ा, वो दोनों तो कैंसिल हो जाना है। सो दैट इज वाई इफ देर इज एनी कैलकुलेशन और अदरवाइज मिस्टेक इन कैलिब्रेशन तो दो सेल्स का ईएमएफ तुसी कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट किवें करांगे, पहला स्टेप की सी बोलो की कि तैनू कैलिब्रेट किया, फिर एक्सेल लेके चेक किया किन्ने डिस्टेंस पे आई जी जीरो आ गया, वो थोड़े को पहली इक्वेशन आ गई, ई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल इंटू एल वन आ जूगा। अगर ई मेजर करना है तो फिर एल वी नॉट तो एल चाहिए, तो सेकेंड पार्ट है किसी का कंपेरिजन का। 5 मिनट्स टू राइट।
न्यूमेरिकल नंबर 16, पेज नंबर बोलो। सर्किट ड्रॉ करो। ड्रॉ करो जिवें जिवें कहिंदा है। एक वायर है गिवन है, वायर दा रजिस्टेंस गिवन है। जिन्हां कोल पुरानी बुक है सुनो, अ 10 मीटर लोंग वायर मिल गया। यही क्वेश्चन है ना, 10 मीटर लोंग वायर उधर रजिस्टेंस किन्ना है? अ 10 मीटर लॉन्ग वायर, लेंथ ऑफ द वायर एल, इट इज नॉट 1 मीटर, इट इज 10 मीटर्स। फिर इधर रेजिस्टेंस कितना है वायर का बोलो? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन 20 ओम। इज इट इज कनेक्टेड विद द यस बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस कितना? 480 ओम। एंड द वोल्टेज ईएमएफ ई नहीं लिखते, तुझे कंफ्यूज ना हो जाना, कहते वी नॉट ही लिखते हैं। ठीक है, फिर क्यों होया? कितने बैलेंस हो गया सेल? कहते एक सैल परचेज किया, ईएमआई पता नहीं सी। ई नॉट नोन, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट नोन, बट ये बैलेंस हो गया। कहते कितने बैलेंस हो गया? 6 मीटर्स ते। फिर की पता करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहला पार्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर ए बी की होगा? वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइड बाय डिस्टेंस एल। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस वायर? ऊपर वाले से कोई करंट फ्लो करता है? नहीं करता, इस करके उन तो भूल जाओ, इस लूप च आ जाओ। करंट कितना फ्लो करता है? आई आई आई। तो वोल्टेज कितनी आएगी? वोल्टेज अक्रॉस वायर ए बी इज करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ। आई कितना आएगा? टोटल वोल्टेज बोलो, आई वास्ते टोटल वोल्टेज इन द लूप 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 480 प्लस 20 500। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 20 डिवाइड बाय लेंथ 10, कितना आ गया बोलो? 0.02 है ना, यहां चेक करो भाई, वोल्ट पर मीटर। करंट पता कीता आई इनटू रेजिस्टेंस 20 डिवाइड बाय टोटल लेंथ
ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 0.0 ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬੋਲੋ 0.02 2 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 0.04 3 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਈ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਇੰਟੂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.12 ਵੋਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ थर्टीन बोलो की है क्वेश्चन बोलो की पता करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पढ़ो पहले 2 मिनट स्टेप वन च बोलो की है सेम अरेंजमेंट अ वायर पहले की करा उन्होंने कैलिब्रेट वो अक्रॉस लगाती वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द वायर बोलो वी नॉट लेंथ एल हो गया कैलिब्रेट सेल एक ही सेल है इस केस ਉਹਦਾ ਈ ਐਮ ਐਫ ਬੋਲੋ ਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਅ ਵਾਇਰ ਗੈਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਈ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 0 ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ L1 ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਵਾਟ ਈ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ
इनटू एल वन, एनू इक्वेजन नंबर वन कर देने, नोट कर लो, वन फुल पेज इज रिक्वायर्ड। सेम स्टेप है, कोई चेंज नहीं है। वन फुल पेज इज रिक्वायर्ड, पूरा पेज चाहिए। स्टेप टू च की किता चेक करके दसो। स्टेप टू दे विच वायर एज इट इज, वोल्टेज एज इट इज वी नॉट, टोटल लेंथ एल होगी कैलिब्रेशन, फिर की किता बोलो। एक रजिस्टेंस और लगाता असल, दैट इज ई एम एफ ई आर, ये तो एज इट इज एग्जिस्ट ही करता है, बट यू कनेक्ट वन मोर नोन रजिस्टेंस आर, ये और लगा दो, एंड अगेन यू परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट, बट इस वारी बैलेंस जोड़ा होगा वह किसी होर पॉइंट पर होएगा। लेट दिस लेंथ बी एल टू, फिर वही वापिस एज करंट किन्ना जीरो। बैलेंस की कंडीशन चेक करते हैं वापस, आ पॉइंट ए है, दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी पी डैश, दिस इज एच, दिस इज जे, वापस हुई कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस एच जे इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ए पी डैश। क्यों आ सारे किवें है, पैरल च है, ये दोनों पैरल च है। वोल्टेज अक्रॉस ए पी डैश तुम्हें पता है, लिखना आता है तुम्हें किमें, टोटल वोल्टेज बाय टोटल लेंथ इन टू एल टू। वोल्टेज अक्रॉस एच जे दस दो किमें आएगा, बस दो मिनट का टाइम ट्राई करने वास्ते डायग्राम ड्रॉ कर लो, या सिर्फ एच जे लिखना, एच जे लिख दो, ड्रॉ बाद कर लेना, एच जे लिख दो, वोल्टेज अक्रॉस एच जे की आएगा। हिंट, इतने कोई करंट नहीं फ्लो करता, टेंपरेरली इस तरह कर सकता मैं, करंट फ्लोइंग हेयर इज जीरो, इतने कोई करंट नहीं है ना, इस वायर च करंट हो सकता है, नहीं हो सकता, जाऊगा किधर लो बस होती, दैट इज वाई सोचने वास्ते इस तरह कर लो एज इफ देर इज नो करंट इन दिस वायर। हुण बोलो हो गया, सौखा हो गया कि नहीं, कि रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, दो मिनट का टाइम, वोल्टेज अक्रॉस एच जे लिख रहे हो। किन्ना करंट मान लीए आई, रेजिस्टेंस किन्ना आर, इन लिख दें आई आर, आई बोलो किन्ना
इस लूप च ई ओवर आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल इंटू एल टू. दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू. चाहिए की है क्यों करिए सारा कुछ जो इस तरह कर लिया तो वापस डॉटेड मार्क कर लिया ताकि ऐ ना लगे कि सर्किट है ही नहीं. सोचने वास्ते दसा की पता करना चाहते वट इज ऑब्जेक्टिव टू फाइंड स्मॉल आर. कैपिटल आर इज गिवन वी नॉट बाय एल इज नोन टू यू जिम्मे पहले चीता सी. एल टू किमें आया थोड़े को मेजर करके सपोज सैकेंड केस 60 है फस्ट केस 40 है तो फस्ट इक्वेजन एल वन इज नोन. किस तरह करा ई नहीं चाहिए मैं कैपिटल ई नहीं चाहिए वी नॉट बाय एल इज नॉट रिक्वायर्ड. यस डिवाइड इक्वेजन नंबर टू बाय वन करो देखो की कैंसल हो गया. डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाय वन ई ई कैंसिल होएगा वी नॉट बाय एल वी नॉट बाय एल कैंसिल होगा सिर्फ लेफ्ट साइड से तुहाडे कोल की आया आर बाय आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू एल टू बाय एल वन. बट मैनू चाहिए था आ वाला स्मॉल आर जो तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आर इज इक्वल टू बोलो की देख कोल आ गया. R इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट च आया इस तरह का कुछ ब्रैकेट की आया एल वन बाय एल टू माइनस वन. चेक कर लो नोट्स. जो बी पार्ट के एंड पर जो लिखा है कंपेयर वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों का कंपेरिजन करना हो दो नंबर का क्वेश्चन हो लिखना हो लिखा वोल्ट मीटर किमें मेजर करता है बाय ड्रॉइंग करंट सैंपलिंग करता है ये किमें करता है पोटेंशियोमीटर बाय कंपेरिजन. ज़्यादा एक्यूरेट कि पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा है वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी घट है. कन्वीनियंट कड़ा लैब च फटाफट वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर तो रखा रीडिंग आई बट पोटेंशियोमीटर नाल पहला तो वो वायर होगी इन्नी वड्डी उहदे क्रॉस बैटरी लगाओगे अरेंजमेंट सैट करोगे अद्धा घंटा तो सैटअप ही लग जाता लैब ठीक है. सो कन्वीनियंट टू मेजर द वोल्ट मीटर है बट एक्यूरेट कड़ा है पोटेंशियोमीटर. चेक करते हैं भी गल समझ लग गई कि नहीं थ्रू नुमेरिकल नंबर 20 पहला नोट कर लो जो कि कोई रह गया स्टेप तो नोट कर लो दो मिनट का टाइम नोट करने वास्ते.
न्यूमेरिकल नंबर 20 ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ 12 ਵੋਲਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15 ओम देर इज अ वायर ए बी लेंथ कितनी दी ए बी दी 1 मीटर इधर रेजिस्टेंस दिता है यस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज आल्सो गिवन कितना 10 ओम एक और सर्किट दिता है वो सर्किट आ वाला है बिना ये वर्ड यूज किते कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मेथड है इस तरह कॉम्पिटिशन भी क्वेश्चन है 0.3 ओम एंड एक साइड ये कनेक्टेड है मैं डॉटेड मार्क कर रहा ध्यान देना दूसरी साइड भी किसी पॉइंट पर जाके टच करती है सच दैट दिस गैल्वेनोमीटर रीड्स जीरो वोल्टेज इज 2 वोल्ट पहला पार्ट की है की पता करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट किमें आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की परपज है डॉटेड का की परपज है कि करंट नहीं फ्लो करता बस इस सर्किट बारे चिंता करो लेट मी कॉल दिस करंट एज I1 इतने सारे च I1 नहीं फ्लो करता है ये एक करंट फ्लो करता है लेट इट बी I2 दोनों इंडिपेंडेंटली डील करना होता बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलो करंट आ सकता है I1 कितना 2 वोल्ट टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस बोलो कितना 10 प्लस 15 25 तो वैल्यू कितनी आ गई I1 थी यस 2 बाय 25 8 बाय 100 ठीक है 0.08 एम्पीयर करंट आ गया पहले स्टेप की पता करना है बोलो वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी बोलो कितनी है रेजिस्टेंस कितना है 10 रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनटू आई इन वायर डिवाइड बाय लेंथ एल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बोलो कितना 10 ओम करंट 0.08 वोल्ट 0.08 एम्पीयर सॉरी डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर लेंथ 1 मीटर अपना आंसर पर मीटर च उस सेंटीमीटर च लिखा होना मीटर नु सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर दो अगर ना मेंशन किया हो तो ऐसा ही आंसर देना हमेशा आंसर हमेशा वोल्ट पर मीटर च आऊगा जो बुक च लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं उहदे नाल टैली कर लो ठीक है सेकेंड की कहता है बोलो केड़ी ए तो लेके ओ तक ये कितने बैलेंस कर जाएगा एदी गल कर लेट दिस बी स्मॉल एल पहला पता कर लो आ वोल्टेज कितनी है वोल्टेज अक्रॉस अगर ए ओ है एदा कुछ लिखा है कोई पॉइंट बी पार्ट वोल्टेज अक्रॉस ए ओ इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लेट मी से के पी ठीक है कॉन्सेप्ट कैरी करना है तुझे ना एच वोल्टेज कितनी आओगी ये अक्रॉस 0.3 इंटू I2 इन्ना ही बनूगा
0.3 ओम इनटू करंट इन दिस सर्किट। करंट बोलो कितना है, वोल्टेज 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम, ये तो 1.5 1 एम्पियर ही आ गया। दिस इज 1 एम्पियर। कितनी वोल्टेज आ गई, 0.3 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस ए ओ का कोई होर फार्मूला भी सीगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ बोलो कि नहीं सी, 0.08, 0.8 के 0.08 0.8 वोल्ट पर मीटर इनटू लेंथ इन मीटर्स, लेंथ इन मीटर्स आई रिपीट, इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। एल सॉल्व कर दो कितना आ गया, मीटर च आया पहले। हाँ एक मीटर का टोटल है, एक मीटर का टोटल है, वो तो घट आएगा। बोलो कोई गल नहीं, 7.5 मीटर, दैट मीन्स 37.5 सेंटीमीटर।